जय हिंद। आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं ब्लड का दूसरा पार्ट के बारे में। हम लोग पहले पार्ट में ब्लड के कार्य, ब्लड का क्या काम होता है, ब्लड कहाँ बनता है, आप लोग देख सकते हैं, मैं लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसमें थोड़ा बहुत हम लोग जाने थे ब्लड के वर्क के बारे में। मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ ब्लड के बारे में, ब्लड के वर्क के बारे में, तो आप लोग 10-5 मिनट का वीडियो इस तरह से बना रहा हूँ, तो आप लोग को देखने में भी आसानी होता होगा और मुझे पढ़ाने में भी आसानी होता है। अगर आप लोग कमेंट करते हैं जो हमें ब्लड का पूरा एक होल अच्छे से वीडियो चाहिए, तो मैं जरूर उसको पूरा करने का कोशिश करूंगा। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड के पार्ट के बारे में, ब्लड कितने पार्ट में डिवाइडेड है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, रक्त, रक्त जो है हुआ बाबू, ये जो रक्त है इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया। एक हो गया आपको प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु। दूसरा क्या होता है? रुधिराणु। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रुधिराणु। ब्लड का 2 पार्ट होता है, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है रुधिराणु। हम लोग समझेंगे ये प्लाज्मा क्या है, रुधिराणु क्या है, ये सारी बातें को जानेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा इसका कंसेप्ट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, प्लाज्मा जो है रक्त में, रक्त की बात किया जाए, ब्लड की बात किया जाए, तो 55% से 60, देखिए वैसे तो 60% होता है, वैसे प्लाज्मा 60% होता है, लेकिन कुछ बुक्स में 55% भी दिया रहता है। बोर्ड का बुक मैंने देखा है, 10th का बोर्ड का बुक देखिएगा, तो उसमें 55% दिया रहता है, लेकिन मैंने कंपटीशन का बुक देखा है, तो कंपटीशन के नजरिए से 60% आप लोग याद रख सकते। अगर बोर्ड का स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं तो आप 55% याद रख सकते हैं, और या कोई कंपटीशन का देख रहे हैं तो 60% याद रख सकते, ठीक है। उसके बाद रुधिराणु की बात करें, ये भी 40% होता है, ये 40% होता है, और इसी तरह से अगर ये 60 होगा तो ये 40 हो जाएगा, और ये 55 होगा तो ये 45 हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसका भी देखिए, अब प्लाज्मा और रुधिराणु एक्चुअली होता क्या है, तो प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड का भाग होता है। प्लाज्मा क्या होता है? लिक्विड का भाग होता है। एक लिक्विड जो ब्लड का जो लिक्विड का पार्ट होता है वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा आपका लिक्विड वाला भाग होता है, और रुधिराणु जो होता है आपका सख्त भाग होता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, शरबत जो खोलते हैं तो उसमें शरबत क्या पानी और उसमें चीनी की जरूरत पड़ती है ना, तो वही रुधिराणु चीनी का काम करता है। समझने के लिए बोल सकते हैं, समझने के लिए आप समझा चुका हूं, समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं जो ऐसा हो सकता है, ठीक है। प्लाज्मा आपका कितना? 60%। प्लाज्मा लिक्विड का पार्ट होता है। प्लाज्मा में एक चीज आप लोग और जान सकते हैं, प्लाज्मा में जल की मात्रा लगभग 90% होता है, ठीक है। प्लाज्मा में लगभग जल की मात्रा 90% होता है। अब हम इसको थोड़ा पार्ट के बारे में जानेंगे, फाइब्रिनोजन और उसका प्रोथ्रोम्बिन। देखिए, प्लाज्मा जो 60% होता है इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, एक होता है फाइब्रिनोजन और एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ये जो है ब्लड को गाढ़ा करने का काम करता है। ये क्या करता है? ब्लड को गाढ़ा करता है। आप देखिएगा, बहुत सारे आदमी का ब्लड क्या होता है, वो बहुत बहुत ज्यादा गाढ़ा रहता है, बहुत सारे आदमी का थोड़ा सा हल्का होता है। उसको हम लोग जानेंगे कि क्यों ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये समझ लीजिए प्लाज्मा के बारे में, जो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो होता है बहुत ज्यादा गाढ़ा करने के लिए ब्लड को रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन को हटा दिया जाए, अगर बेसिकली आप फाइब्रिनोजन को ही हटाया जाए, तो फाइब्रिनोजन को अगर हटा देते हैं तो आपका प्लाज्मा, मतलब आपका जो ये प्लाज्मा जो होगा येल्लो टाइप का हो जाएगा, आपका जो रक्त होगा वो येल्लो टाइप का हो जाएगा। वैसे भी प्लाज्मा रक्त, प्लाज्मा जो होता है, फाइब्रिनोजन जो होता है, सॉरी प्लाज्मा जो होता है वो येल्लो टाइप का ही होता है, और फाइब्रिनोजन हट जाने से आपका ब्लड क्या हो जाएगा? येल्लो टाइप हो जाएगा। और प्रोथ्रोम्बिन भी इसी में मदद करता है थोड़ा गाढ़ा रखने में। मेन काम आता है रुधिराणु, मेन काम का क्या आता है? रुधिराणु। रुधिराणु हमारे बॉडी में, आप अगर कंपटीशन के नजरिए से पढ़े तो 40% याद रखिएगा, अगर वही अगर बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े तो आप 45% याद रख सकते हो, ओके। यहाँ जो होता है बाबू, यहाँ जो आरबीसी दो ग्रुप में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इसको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स में बांटा गया है। अब यहाँ पर एक चीज ये आप लोग समझ सकते हैं, जो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम, देखिए मतलब साइंस की भाषा में एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, साइंस की भाषा में थोड़ा सा मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, साइंस की भाषा में एरिथ्रोस कहा जाता है, साइंस की भाषा में एरिथ्रोस कहा जाता है, ठीक है। आरबीसी को साइंस की भाषा में एरिथ्रोस कहा जाता है। इसकी जनसंख्या 50 लाख होता है। हमारे बॉडी में आरबीसी की अगर कमी हो जाए तो आपको बहुत सारी बीमारी हो सकती है, लेकिन अभी हम लोग बीमारी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इतना समझेंगे जो आरबीसी जो है आपके बॉडी में 50 लाख इसकी जनसंख्या होती है, इसकी जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। इसका जीवन काल क्या होता है? 120 दिन का होता है। यहाँ पर सवाल बनता है, जनरली बहुत ही एकदम ठोक बजा के सवाल बनता है, देखिएगा आप लोग जो भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम आप लोग अगर दे रहे होंगे वहां पर अक्सर देखिएगा जो पूछ देता है, जो आरबीसी हमारे रक्त में कितना है,
मतलब आरबीसी का जीवन काल कितना दिन है हमारे रक्त रक्त का आरबीसी का जीवन काल 120 दिन है, और ये भी पूछ देता है जो कितना है तो 50 लाख है। उस पर आते हैं डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को वैज्ञानिक भाषा में मतलब साइंस की भाषा में ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं डब्ल्यूबीसी की जगह ल्यूकोसाइट दे दिया जाता है तो उसमें उनको नहीं पता रहता है, तो इस कारण से ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूबीसी को आप लोग ल्यूकोसाइट भी कह सकते हैं, ल्यूकोसाइट कह सकते हैं। इसकी जनसंख्या कितना होता है 10,000 होता है, और इसका जो डे होता है 4 डे होता है, इसका जो जीवन काल होता है वो 4 दिनों का होता है, इसका जीवन काल 4 दिनों का होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स होता है जो इसको आप थ्रोम्बोसाइट भी कह सकते हैं साइंस की भाषा में थ्रोम्बोसाइट। इसकी जनसंख्या 2 लाख होती है और इसका जीवन काल 7 दिन होता है, इसकी जनसंख्या 2 लाख होता है और इसका जीवन काल कितना दिन 7 दिन का होता है। अब हम लोग जानते हैं जो आरबीसी का काम क्या है, आरबीसी जिसको रेड ब्लड निकालते हैं ये ब्लड को रेड करने का काम करता है, डब्ल्यूबीसी का होता है डब्ल्यूबीसी आपको रक्षा करने का प्रोटेक्शन देने का काम करता है। प्लेटलेट्स एक होता है जो है प्लेट टाइप का होता है, प्लेट टाइप का होता है जैसे कि आप कह सकते हैं एक ईटेवा का जो ईट जो होता है ईटेवा का जो तक संहिता जाता है उसी टाइप से इसको हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था ब्लड का, थोड़ा सा मैं छोटा वीडियो एक छोटा सा 5 मिनट का 10 मिनट का वीडियो शायद ही बने तो वही वीडियो आपको बताने आया था। तो ब्लड का 2 पार्ट्स होता है, एक प्लाज्मा होता है एक होता है रुधिरांग। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ऐसा लगता है जो अच्छा लगता है आपको पढ़ाना, और मुझे भी सीख मिलता है यहाँ से, पढ़ाता हूँ दोबारा रिपीट हो जाता है तो अच्छा लगता है। आप लोग को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। चलिए स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा।